हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एग्रीकल्चर एंड जीके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, संसार में सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग गोट इज हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग इन वर्ल्ड। ठीक है, सबसे ज्यादा जो दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सनेन। सनेन जो है सब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाली बकरी की नस्ल है, ब्रीड है किसकी, गोट की। अगर आप जमुनापारी के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा, जमुनापारी क्या एक ड्यूअल पर्पस ब्रीड ऑफ गोट है जिसको जिसके करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, रोमन नोज। ठीक है, रोमन नोज इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, याद रखना आप लोग, रोमन नोज इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। बारबरी के बारे में जानते हैं, तो बारबरी एक बार में दो बच्चों को जन्म देती है। ठीक है, एक बार में दो किड्स को क्या देती है, जन्म देती है। और अशील क्या है, ये फाइटिंग हैन। ठीक है, जो कि मनोरंजन के लिए या लड़ाई के लिए यूज की जाती है, वो है अशील। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में विश्व के कितने परसेंट भैंसें पाई जाती हैं? मीन्स टोटल वर्ल्ड में जितनी भैंसें हैं उसमें भारत में कितनी परसेंट भैंसें पाई जाती हैं, ये है ऑप्शन बी 57। ठीक है, भारत में 57% भैंस पाई जाती है वर्ल्ड में टोटल जितनी भैंसें हैं। अगर काउ के बारे में पूछे तो काउ हो जाएगा 15%। ठीक है, वर्ल्ड में जो जितनी काउ है उसका 15% इंडिया में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर थ्री, भारत में पशु गणना कितने अंतराल पर की जाती है? भारत में जो पशु गणना होती है वो कितने अंतराल पे की जाती है, मतलब कितने साल में अंतर पे की जाती है, तो यह ऑप्शन हो जाएगा ए 5 साल। ठीक है, कितने साल के अंतराल पर, 5 साल के अंतराल पर भारत में पशु गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर फोर, भारत में दूध उत्पादन में दूसरा राज्य कौन सा है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द वर्ल्ड। तो सेकेंड कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश क्या है, नंबर वन है, गुजरात क्या है, नंबर थ्री है, तो सेकेंड कौन हो जाएगा, डी राजस्थान। ठीक है, राजस्थान क्या है, सेकेंड नंबर पर है। तो याद रखना है आपको तीनों, नंबर वन पे उत्तर प्रदेश, नंबर दो पे राजस्थान और नंबर थ्री पे गुजरात, नंबर थ्री पे कौन हो जाएगा, गुजरात। देन क्वेश्चन नंबर फाइव, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस पशु का है? ठीक है, जो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन है वो किस पशु के द्वारा किया जाता है भारत में, तो सबसे ज़्यादा भैंसे हैं 57%, तो दूध भी किससे होगा, सबसे ज़्यादा भैंस से होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, जो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है भारत में वो भैंसों के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो NBAGR, नेशनल ब्यूरो फॉर एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ब्यूरो फॉर एनिमल जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, करनाल हरियाणा में। ठीक है, याद रखना है कहाँ पर स्थित है, करनाल हरियाणा में स्थित है। अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये 1984 में, ठीक है, 1984 में एस्टेब्लिश हुआ, 21 सितंबर 1984 में बेंगलोर में एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन उसके बाद उसको 1985 में कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, करनाल हरियाणा में। तो याद रखना, अगर आपसे एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूछे तो एस्टेब्लिश कहाँ हुआ था, बेंगलोर में हुआ था 1984 में, 21 सितंबर 1984, एंड शिफ्ट कर दिया गया 1985 में करनाल हरियाणा में। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर सेवन, विश्व में ऊँट की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? ठीक है, विश्व में पूरे वर्ल्ड में जो ऊँट की सबसे सुंदर नस्ल है वो कौन सी मानी जाती है, तो बीकानेरी जो नस्ल है वो सबसे सुंदर मानी जाती है वर्ल्ड में। ठीक है, पूरे विश्व में। और जैसलमेरी की बात करें तो जैसलमेरी पुलिस या सेना के उपयोग के लिए यूज़ की जाती है, गोमट सवारी के लिए प्रसिद्ध है और नाचना तेज दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सभी के बारे में याद रखना है, नाचना तेज दौड़ के लिए प्रसिद्ध है और गोमट सवारी के लिए प्रसिद्ध है, और जैसलमेरी पुलिस या सेना में जो यूज़ होती है वो जैसलमेरी ब्रीड के ऊँट यूज़ किए जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर एट, राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र NRC फॉर कैमल, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल कहाँ स्थित है? ठीक है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो यह है जोहरबीर। ठीक है, यह कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में पड़ता है जोहरबीर, तो वहाँ पर क्या है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ये सभी शहर कहाँ के, अजमेर, अविकानगर और जयपुर, ये सभी कहाँ के हैं,
राजस्थान के हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ गोट। ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है गोट का, तो सभी के बारे में जान लेते हैं जितने दिए गए हैं। सबसे पहले जानते हैं डी ऑप्शन क्या है, कैनिस लूपस। कैनिस लूपस होता है डॉग का साइंटिफिक नेम। ठीक है, किसका होता है, डॉग का साइंटिफिक नेम होता है कैनिस लूपस। बॉस्टोरस किसका होता है, काऊ का होता है। ठीक है, किसका होता है, काऊ का। बोबैलस बुबैलिस किसका होता है, भैंस का होता है, याद रखना है बुफैलो का होता है। एंड कैपरा हिरकस किसका होता है, बकरी का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए कैपरा हिरकस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ गोट। क्वेश्चन नंबर 10, मोरक्को लेदर बनाया जाता है। ठीक है, मोरक्को एक प्रकार का लेदर है जो कि सबसे बहुत अच्छा माना जाता है, वो किसके खाल से बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मोरक्को लेदर किसके खाल से बनाया जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बकरी। ठीक है, किसके खाल से, बकरी के खाल से बनाया जाता है मोरक्को लेदर, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी महंगा लेदर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, मोहैर किस नस्ल की बकरी से प्राप्त होता है। मोहैर एक प्रकार का फैब्रिक होता है जो कि बकरी के ऊन से बनाया जाता है, ऊन सॉरी हेयर से, बाल से बनाया जाता है। मोहैर आप कह सकते हैं एक प्रकार का ऊन है या फैब्रिक कह सकते हैं जो कि बकरी के बाल से बनाया जाता है, तो किस ब्रीड की बकरी से बनाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये होगा डी अंगोरा। ठीक है, अंगोरा ब्रीड की गोट से बनाया जाता है। सानिन के बारे में जान गए हैं, सबसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करने वाली बकरी है वर्ल्ड में। ऊंट के शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। ठीक है, जो कैमल के बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कैसे नियंत्रित, कैसे कंट्रोल किया जाता है या कंट्रोल होता है, किस पार्ट से बॉडी के, किस पार्ट से कैमल का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कंट्रोल होता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कूबड़। ठीक है, मीन्स हम्प द्वारा जो कैमल का बॉडी टेम्परेचर है वो कंट्रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर स्थित है। ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, आनंद गुजरात। ठीक है, आनंद कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है, तो याद रखना है आनंद गुजरात में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश मीन्स स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, सवाई चाल के नाम से प्रसिद्ध गाय की नस्ल है। ठीक है, गाय की कौन सी नस्ल है जो कि सवाई चाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाई चाल के नाम से प्रसिद्ध है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कांकरेज। ठीक है, कांकरेज हमारी क्या है, सवाई चाल के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आप साहिवाल के, तो इसको साहिवाल में पूछा गया लोला, लोला किसको कहते हैं, LOLA। ठीक है, जो कि मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में उसकी उत्पत्ति स्थान है साहिवाल की। लोला किससे रिलेटेड है, तो साहिवाल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कृषि उत्पादन में पशुपालन का योगदान कितना प्रतिशत है। ठीक है, भारत में जो टोटल एग्रीकल्चर है उसमें जो एनिमल हस्बेंड्री का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है, ये क्वेश्चन है, तो कितना परसेंट है, 30%। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 30%, भारत में जो कृषि उत्पादन उसमें पशुपालन का योगदान 30% है।